146 ग्राम मतलब लगभग 350 ग्राम खोआ बनाएंगे हम सिर्फ 2 ग्लास दूध से। हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मेरे चैनल डेको आर्टिस्टा में आप सभी का स्वागत है। परसों होली है और होली के लिए हम सभी के घरों में तरह तरह के मिठाई और पकवान बन रहे हैं। बिना खोए से बनने वाली दो तरह की बहुत बढ़िया मिठाई मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ। आप चाहें तो मेरे पिछले वीडियो देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। तो मैंने एक नॉनस्टिक कढ़ाई में 2 ग्लास दूध ले लिया है और ये दूध क्योंकि पैकेट वाला दूध है और ये कल का बॉयल हुआ दूध है जिस पर से मलाई मैं निकाल चुकी हूँ, तो दूध में जो चिकनाई है फैट है वो बिल्कुल नहीं है। इस वजह से मैं इसमें 2 चम्मच मलाई ऐड कर रही हूँ। जब दूध पक कर आधा रह जाएगा मतलब लगभग 1 ग्लास, तब हम उसमें डालेंगे एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट, इसलिए वीडियो पर अंत तक जुड़े रहें। मलाई ऐड करने के बाद दूध को हमें लो मीडियम फ्लेम पर ही रखना है और उसको धीरे धीरे चलाते हुए साइडों से उसकी जो मलाई जम रही है वो निकालते हुए दूध को बॉयल होते रहने देना है ताकि दूध का जो पानी है वो कम हो जाए। मेरे मायके मध्य प्रदेश में है और हमारे यहाँ होली का जो त्योहार है वो बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। होली की छुट्टियां हो जाती थी हमारे स्कूलों में और हम सब मम्मी के साथ बैठकर ढेर सारी गुजिया बनाया करते थे। सभी के हाथों में चकला बेलन होता था, कोई भर रहा होता था, कोई बेल रहा होता था, कोई काट रहा होता था और उसके बाद शाम को जब मम्मी सारी गुजिया तलती थी तो हमें इतना इंतजार रहता था कि पहली गुजिया किसको मिलेगी। हम फ्रेंड्स भी एक दूसरे के घर जाके उनकी मम्मा की हेल्प किया करते थे गुजिया बनाने में, क्योंकि बहुत सारी गुजिया बना करती थी। बड़े बड़े कनस्तर में गुजिया बना कर रख ली जाती थी और जो भी होली मिलने आया करते थे गुलाल लेकर उन सबको गुजिया और जो घर का बना हुआ बेसन का नमकीन है वो सर्व किया जाता था। तो मेरे साथ होली की बहुत प्यारी यादें जुड़ी हैं, तो आपके साथ होली की कौन सी यादें हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के मेरे साथ शेयर करिए। देखिए बातें करते करते ये दूध भी उबल कर आधा रह गया है। अब मैं इसमें मिलाने जा रही हूँ हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट। तो ये मैंने आधा कप इसमें मिलाया है मिल्क पाउडर। जी मैंने यहाँ एवरीडे का मिल्क पाउडर यूज किया है जो मैंने आधा कप इसमें ऐड किया है। तो मिल्क पाउडर ऐड करने से जो दूध है वो जल्दी ठीक हो जाएगा और खोआ बनने की जो प्रोसेस है वो जल्दी पूरी होगी और हम खोआ भी हमको ज्यादा मिलेगा। देखिए अब दूध काफी गाढ़ा हो गया है, अब हमें थोड़ा जल्दी जल्दी इसको चलाना होगा। गैस को हमें लो मीडियम फ्लेम पर ही रखना है, गैस को हमें तेज नहीं करना है। आप भी इस बार घर पर ही खोआ बनाएं और बढ़िया स्वादिष्ट मिठाई होली के लिए तैयार करें। और जो हमारा घर का बना हुआ खोआ होता है ये बिल्कुल शुद्ध होता है। हम दुकान से अगर खोआ लेते हैं तो हमको पता नहीं होता कि वो कैसा खोआ है। देखिए हमारा खोआ इस स्टेज पर लगभग बिल्कुल तैयार है और उसने कढ़ाई के किनारे पूरी तरह से छोड़ दिए हैं। अब मैंने गैस को बंद कर दिया है और इस स्टेज पर भी हमें इसको थोड़ी देर हिलाते रहना है। तो ये हमारा घर का शुद्ध देसी खोआ बनकर तैयार है। देखिए इसमें से घी भी निकल आया है, इसने अच्छे से घी भी छोड़ दिया है। ये बड़ा बढ़िया दानेदार खोआ बनकर तैयार हुआ है। अगले वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी गुजिया बनाने की रेसिपी। तो तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और जबरदस्त रहिए। गुड बाय एंड टेक केयर।